प्रणाम जी, शोभा देखनी है परम धाम की। तो रोज श्री राज जी के जोश उनकी मेहर का आशा लेके हद बेहद को पार करके परम धाम में अपनी सुरता ले जाती है पाठघाट पर। पाठघाट पे खुद को महसूस करती है, सामने जमुना जल, दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा जमुना जल। रू जमुना जल में झीलना कर रही है, जमुना जल के नूरी जल में रू झीलना कर रही है। अति नूरमयी शीतल जल, राज्य की कोमलता, इश्क, लाड़ सब इन जल में समाया हुआ। झीलना करके रू का स्वरूप श्री श्यामा जी की तरह ही अति सुंदर हो गया है। देहरियों में श्रृंगार सज के रू अब चलती है रंग महल की ओर। पाठ घाट को पीठ दे के रू चलती है रंग महल की ओर। रू खुद को चांदनी चौक में पाती है। रंग महल के ठीक सामने 166 मंदिर के लंबे चौड़े चांदनी चौक में रू खुद को महसूस करती है। चांदनी चौक में अति सुंदर हीरे मोती के माने रेती बिछी है। ठीक मध्य में जो रोसाई है वो धाम सीढ़ियों तक ले जाती है। बाईं ओर लाल वृक्ष की शोभा है और बाईं ओर हरे वृक्ष की शोभा है। रू देखती है अपने दाहिने हाथ पे, दाहिनी तरफ एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा आई है और बाईं ओर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरे वृक्ष की शोभा आई है। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, इन चबूतरे से धाम से दूरी है 66.5। 33 मंदिर की जगह चबूतरा आ गया और 66.5 मंदिर रह गए यमुना जी की तरफ। और यूं ले में तो 33 मंदिर का चबूतरा, मध्य में 34 मंदिर, फिर 33 मंदिर, फिर ये 34 मंदिर। इस तरह से 166 मंदिर का हिसाब पूरा होता है। 33 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा यानी 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरे से चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां चांदनी चौक की रेती में उतरी हैं। घेर कर अति सुंदर कठेड़ा आया है। ठीक मध्य में एक मंदिर का मोटा तना उठा जिसकी चारों दिशाओं में दरवाजे आए हैं। इस तने ने 75 हाथ सीधा जाके डालियां बढ़ाई। पहली भूमि में बरामदे माफक छत आ गई, दूसरी भूमि में पुनः तना उठा और दूसरी भूमि में मोहल माफक शोभा आई है। इसमें एक दिशा में 3 मेहराबे दिखाई हैं, ऐसी हर दिशा में 33-33 मेहराबे आएंगी। अति सुंदर छत के ऊपर गुम्बद कलश ध्वजा पताका की शोभा। अब चलते हैं धाम सीढ़ियों की ओर। मध्य की जो रोस है वो सीधा धाम सीढ़ियों तक पहुंचाती है। सीढ़ियां 2 मंदिर की लंबाई में आई हैं। ये देखिए 2 मंदिर के रोस के आगे 2 मंदिर की लंबाई में सीढ़ी आई है। सर्वप्रथम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, जो सीढ़ी एक ही हाथ ऊंची और एक ही हाथ की चौड़ी आई है। इस तरह से रू 4 सीढ़ियां चढ़ती है। सीढ़ियों पे अति कोमल नूर में किलम बिछा है। 5वीं सीढ़ी के आगे ही चांदी की शोभा है। ये देखिए 5वीं पीले रंग में सीढ़ी और हरे रंग में चांदी की शोभा। सीढ़ी और चांदी पे अलग अलग गिलम आया है, लेकिन 5वीं सीढ़ी और चांदी एक समरूप एक ही लेवल में आए हैं। पुनः पांच सीढ़ी और 4 सीढ़ी और चढ़ेंगे तो 10वीं सीढ़ी के आगे पुनः चांदी की शोभा, फिर 15वीं सीढ़ी, 20वीं सीढ़ी। इस तरह से 100 सीढ़ियों 20 चांदों सहित पार करके रू 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचती है। ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके। सीढ़ियों पे अति सुंदर गिलम आया। सीढ़ियों पे और चांदों में गिलम का रंग अलग अलग, दोनों ओर चढ़ते कठेड़े यानी सुंदर रेलिंग की शोभा। अब 2 मंदिर की चौक में रू खड़ी है तो देखती है चारों कोनों में हीरे के थंबाए हैं, जिनकी छत 204 हाथ ऊंची आई है। छत 200 हाथ ऊंची आनी चाहिए थी 2 मंदिर ऊंची, लेकिन 204 ऊंची आई है क्योंकि तीजी भूम की प्रशाल कमर भर ऊंची उठी है। 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के चारों कोनों में हीरे के थंब, जिनकी 2 भूम ऊंची, ये थंब
88 हाथ तक सीधा जाते हैं, 88 हाथ की ऊपर मेहराब बनती है और ऊपर 28 हाथ की जगह में चित्रकारी। इन चौक के दोनों ओर चार मंदिर के लंबे और दो मंदिर के चौड़े चबूतरे हैं। चबूतरे की पूर्व किनार पे हीरा, हीरा का थंब वही है जो दो मंदिर की चौक का है। माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंब आए हैं। इन थंबों के मध्य में कठेड़ा आया है क्योंकि आगे भौम पर नीचे चांदनी चौक की शोभा है। पश्चिमी दीवार मंदिरों के साथ लगी है, अक्षी दीवार आई है, इसमें अक्षी थंब आए हैं। इस तरह से ये दरवाजे के वास्ते आए 10 मंदिर के हांस की शोभा हुई। ठीक मध्य में दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और चौक के दोनों ओर एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। इन चबूतरों की दो भूम होती है, पहली भूम में ये चबूतरा कहलाता है, दूसरी भूम में दूसरी भूम के मंदिरों का चरोखा कहलाता है। अब इन चौक में जब खड़े हैं, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा है, पूर्व में उतरती सीढ़ियों की, पश्चिम दिशा में धाम दरवाजे की शोभा है। पहली भूम में धाम दरवाजे की शोभा देखें तो 88 हाथ का दर्पण का गेट, हरे रंग की पैनी, लाल रंग की चौखट, दोनों दिशा में जहां ये हरे रंग की शोभा दिखा रखी है या लाल मनियों की दीवार, ऊपर 12 हाथ की मेहरा। दूसरी भूम में ठीक मेहराब के ऊपर एक जरोखा आता है, 6 जालीदार और 2 दरवाजे आते हैं। दर्पण का द्वार जैसे ही खुला, रूह अपने आप को दो मंदिर के लंबे और एक मंदिर के चौड़े मंदिर में पाती है। ये मंदिर दरवाजे की शोभा के वास्ते आया है। इस मंदिर के पूर्व और पश्चिम में इसी तरह से 88 हाथ के दर्पण के द्वार की शोभा है, 88 हाथ का दर्पण का द्वार और दोनों ओर 30-30 हाथ के द्वारों की शोभा है। धाम दरवाजे का मंदिर रूप पार करती है तो आगे एक गली, उसके आगे 28 स्तंभ के चौक की शोभा है, 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक के पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम 10-10 स्तंभ, उत्तर दक्षिण 4-4 स्तंभ आए हैं, टोटल 28 स्तंभ। 28 स्तंभ के चौक को घेर कर एक गली घूमी है एक परिक्रमा के वास्ते। सुंदर नोरमई थंब, उनपे सुंदर नोरमई मेहराबे, नीचे गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, ऊपर चंद्रमा की शोभा। तो ये शोभा तो हुई चांदनी चौक से 28 स्तंभ के चौक तक। आगे शोभा देखनी है रसोई की हवेली।